बच्चों आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोचने में तो बड़ा है कि नहीं लगता है भाई, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा है? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बच्चे होता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डिफरेंट सेल सबसेल एंड ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगर करने का मतलब है इसको सेल में सबसेल में ऑर्बिटल में इसको भर देना, समझ पा रहे? इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, एन एल टू दी पावर एक्स, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते। देखो एन बच्चे क्या होता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्यू एन। एल हम बच्चे होता है यहां पे सबसेल या ऑर्बिटल, क्योंकि एस जो है बच्चे एक सबसेल भी है और ऑर्बिटल भी है, और एक्स जो बच्चे होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या हम कह सकते सेल। तो ये है फॉर्मेट है बच्चे, देखो एन एल टू द पावर एक्स जो है एक फॉर्मेट है, और जिस फॉर्मेट को फॉलो करके हम इलेक्ट्रॉन को भरते चले जाएंगे, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सेल सबसेल एंड ऑर्बिटल, समझ आए? अच्छा देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये आपको पीरियडिक टेबल में यूज होंगे, आपको बॉन्डिंग में यूज होगा, इनऑर्गेनिक में यूज होगा, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ पा रहे? एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो सोडियम है, इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 11, लेकिन एटॉमिक नंबर या जेड है ये आपको पता होना चाहिए सोडियम का, कितनी होगी ना 11। कैसे भरेंगे ना, आप बॉब प्रिंसिपल को याद करेंगे, पाउलीज को भी याद में रखेंगे, हंस रूल को भी दिमाग में रख के चलना पड़ेगा भाई, तीनों को एक नहीं तीनों को अपने दिमाग के अंदर रख करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पहले से जो वीडियो है अबाव प्रिंसिपल का है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का है, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, ये वीडियो को जरूर देख लेना, नहीं तो कुछ नहीं समझ आएगा। इसलिए ध्यान में देखो सोडियम है तो ये हो जाएगा। मैं थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के बारे में याद दिला दूं अबाव प्रिंसिपल का, 1s2s2p3s3p3d4s4p4d4f, तो यहां नीचे से आएगा ऐसे आएगा है ना, और बीच में से जाएगा, ऊपर से आएगा बीच में से जाएगा, ऊपर से आएगा बीच में से जाएगा ऐसे। तो एस का कैपेबिलिटी होता है 2, पी का होता है 6, डी का बच्चे होता है 10 और एफ का होता है 14। और काफी सारे बच्चों को जो कि नहीं जो 10 तक पढ़ के आते हैं वो तो के एलिमेंट से आ कहते हैं कि नहीं 2, 8, 18, 18 ऐसे करके कुछ भी लिखते हैं, लेकिन जब आप 11th में आ जाते हो आपको कंसेप्ट में थोड़ा वेरिएशन आता है, तब बच्चे को केमिस्ट्री में थोड़ा दिक्कत होना, अरे 10th में तो कुछ और पढ़ा था 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये तो कुछ और कहानी आ रहा है यहां पे है। इसलिए बच्चे ध्यान से समझ लो, आइए हम देखते हैं। इसलिए अबाव प्रिंसिपल की जो डायग्राम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो 1s2
2s2 2p6। अब बचा कितना है देखो, 2 और 8 10 हो गया, अब 1 बचा है, 11 हो गया। अरे हुआ या नहीं हुआ? अब देखो क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए बच्चों को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए बोल दो, पता लगा एटॉमिक नंबर ही दिमाग से गोल है तो कैसे लिखेगा? अब बाव प्रिंसिपल का डायग्राम ही है ही नहीं दिमाग में तो कैसे हो जाएगा? इसलिए ध्यान से देखना है। क्लोरीन का 17 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया बच्चों? ना 2 और 8 10, एक नहीं 2p6 के बाद 3s2 और 3p5 आएगा, क्योंकि 10 के बाद 2 12 और 1 5 17 17। अब मैं कैल्शियम का अगर लेता हूं, लेकिन 20 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p के बाद क्या आएगा? ध्यान से देखो, अगर मैं 3s के बाद 3p आया तो 4s आएगा, 3d नहीं आएगा, ये ध्यान से रखना, 4s2। इसी तरह अगर मैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शन वाला चीज होते बच्चे देखो, ये तो ऐसे ही सीधा सीधा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो 2 एक्सेप्शन। एक तो क्रोमियम जो कि 24 है, ये एग्जाम में पूछ लेता है, क्या करता है ना, एग्जाम में पूछता है क्रोमियम का 24 के लिए क्या करेंगे ना, सेम ऐसे ही करेंगे ना, 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 18 तो हो गया, लेकिन 3p के बाद, लेकिन 4s2 3d देखो 18 2 20 बचा कितना, 4 24 है, 10 8 18 2 20 और बचा 24 है, 24 4 बच रहे तो 34, बट ये गलत है। आप कहोगे सर आपने तो इतना मेहनत हमने कर लिया, आप कह रहे हो गलत है, तो कौन सा सही? देखो एस के बाद डी तो आ रहा है, सही तो दिख रहा है लेकिन गलत है, क्यों ना? यहां बच्चे एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, एस से डी को चला जाएगा, तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? 3d5 4s। ये आप कहोगे सर ये तो डी को बाहर था आप अंदर रखा दी, एस अंदर था आपने बाहर ले ली, ये क्या कहानी? इसीलिए बच्चों जब भरते हैं इसको इलेक्ट्रॉन को, ये एनर्जी के अकॉर्डिंग भरते हैं, जब लिखते हैं आउटर मोस्ट सेल के हिसाब से लिखते हैं, जो बाहर का सेल वो बाहर को रहे, अंदर का सेल अंदर को रहे। और सिमिलरली ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क करके रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, बार 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 12th तक ये कॉपर और क्रोमियम यूज होता रहता है। जब हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर एक मेटल है कि नहीं, देखा कि नहीं कॉपर 29 है, 29 हम देखते हैं, सेम कहानी आएगा बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया, 4s2 3d9 होना चाहिए, तो यही लग रहा है, होना तो यही है लेकिन ये नहीं होगा, क्यों? एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम की तरह इसने इसको दे देगा, जब देगा तो क्या होगा ना, ये हो जाएगा 3d10 4s1 मींस फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है, और यहां आपका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब डी में अगर 5 ऑर्बिटल है तो सब में एक एक है तो हाफ फील्ड, डी में अगर 5 ऑर्बिटल है सब में 2-2 है देन इट इज फुलफिल्ड, तो हाफ फील्ड और फुलफिल्ड, समझ पा रहे क्यों स्टेबल है? अब सवाल आ जाता है, हाफ फील्ड और फुलफिल्ड क्यों स्टेबल है? उसके लिए क्वेश्चन मार्क आता है, अब देखेंगे ना कैसे करेंगे ना, हाफ फिल और फुल फिल बच्चे क्यों स्टेबल होता है, हाफ फिल और फुल फिल क्यों स्टेबल
होता है। बताओ जल्दी बताओ, हैप्पी और फुलफिल्ड क्यों स्टेबल होता है, कौन बता सकता है? बच्चे जब आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, यही मौका है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना है। कौन है ना, केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैन। आइए हम एक चीज हम बताता हूं कि हुआ है हाफिल एंड फुलफिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्कूल वाले 11th वाले डाल देते हैं एग्जाम में, कहीं नहीं डालेंगे, एग्जाम में ही डालेंगे इसको। हाँ फील्ड बच्चे देखो कि D5 है या फिर D10 फुलफिल, ये क्यों ज्यादा स्टेबल है? अगर D में ध्यान से देखो, अगर 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, ये एक रीजन इसकी तो ये हो जाता है सिमेट्रिकल। क्या हो जाता है ना, सिमेट्रिकल, मतलब लेफ्ट हाफ मस्ट बी इक्वल टू राइट हाफ। यहां पे देखो जितना लेफ्ट इक्वल, वा इसका दूसरा नाम है सब में एक 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 आगे इक्वल हो गया, सिमेट्री आ ही गया। समझ पा रहे? और दूसरी बात हम देखते हैं, हाई एक्सचेंज एनर्जी, दूसरा रीजन क्या है ना, हाई एक्सचेंज मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन, ये तो सारे इलेक्ट्रॉन ही बच्चे, नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां, अपना जगह एक्सचेंज करना चाहते हैं। मैं एक बच्चे को बोला, बेटा आज तो कुर्सी में यहीं पर बैठे रहना। बोले सर इसे कैसे हो जाएगा, मतलब बैठ के तो देख आज क्या होता है। 10 मिनट गया, 15 मिनट गया, 20 मिनट बाद बोले सर उठ जाऊं क्या? क्यों सर? दर्द हो रहा है। तो थोड़ी देर ही बैठा, दर्द हो तो इलेक्ट्रॉन बेचारा कितना देर कैसे बैठेगा है? ये भी तो अपने घर से दूसरे जगह जाना कोशिश करेगा। तो इसीलिए पहला इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एक्सचेंज होता है 4, 1, 2, 3, 4, दूसरा 3, 1, 2, 3, तीसरा जो है 2 बार, चौथा है, तो 10 नंबर ऑफ एक्सचेंज हो जाता है। तो बच्चे एक्सचेंज जब होती है एनर्जी रिलीज होती है, क्या होता है, एनर्जी निकलता है, और इसी को कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन जो प्लेस एक्सचेंज करता है, इलेक्ट्रॉन जो अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाता है, मूव करता है, तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, इसी को कहते हैं एक्सचेंज। तो रिलीज जब हो जाता है तो हाफिल या फुलफिल में नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है, नंबर ऑफ डिलोकलाइजेशन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्लेस एक्सचेंज ज्यादा है, इसलिए एनर्जी कम हो जाती है एंड स्टेबिलिटी आ जाता है। इसलिए हाफिल और फुलफिल सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। दिस इज द रीजन है, यही कारण है। समझ पा रहे? तो इसलिए बच्चे मैं हूं केमिस्ट वाला डॉक्टर प्रदीप जैना। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना है, दूर दूर तक पहुंचाना है, और अपनी कमेंट बॉक्स में मेरे बारे में जरूर लिखना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।